आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। नल जल योजना के काम में लेट लतीफी होने पर ग्रामीणों ने की तहसीलदार से चर्चा। पूर्व विधायक के नेतृत्व में पहुंचे नगावा के किसान सनावत। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर शासकीय जमीन पर कब्जा लेने और उसके द्वारा नल जल योजना के कार्य के निर्माण में रोक लगाने के साथ बनने वाली टंकी के स्थान पर अतिक्रमण होने के बाद ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार से चर्चा की। वहीं पूर्व विधायक के नेतृत्व में किसानों ने तहसील कार्यालय में नारेबाजी करते हुए राज्य विभाग की लापरवाही बताया। इस संबंध में ग्राम नगावा के करीब 20 से अधिक ग्रामीण पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में तहसील ऑफिस पहुंचे, जहां किसानों ने बताया कि ग्राम के एक व्यक्ति भगवान पिता रामेश्वर द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी यहां पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया गया, जबकि स्थान पर नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण होना है। वहीं भगवान के द्वारा अतिक्रमण को लेकर कई बार राजस्व विभाग में शिकायत करने के बाद भी स्थायी समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीणों ने आज पूर्व विधायक के नेतृत्व में तहसीलदार शिवराम कनास से चर्चा कर ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया। वहीं ग्रामीणों ने बताया भगवान द्वारा अतिक्रमण वाली भूमि पर नल जल योजना के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण होना है, जिसका कार्य अतिक्रमण के कारण रुका है। नल जल के अंतर्गत घर घर आसानी से पहुंच सके इसे लेकर भी कार्य बाकी है, लेकिन वहां पर भगवान के द्वारा अतिक्रमण करने से कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। जब इस संबंध में नल जल योजना का कार्य शुरू हुआ तब भी भगवान ने वहां पर विरोध कर कार्य को आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं ग्रामीणों ने तहसीलदार से नल जल योजना के अंतर्गत कार्य को प्राथमिकता से पूरा करने और जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही। तहसील ऑफिस में होती है लेट लतीफी। जन भागीदारी समिति अध्यक्ष प्रभात उपाध्याय ने बताया कि राजस्व विभाग में किसी भी तरह के कार्य के लिए वहां पर समय ज्यादा लिया जाता है, साथ ही कार्य करने में आनाकानी की जाती है। पूर्व में भी ऐसे एक भवन मुआवजे के मामले में जब वो कार्य को लेकर आवेदन दिया तो वहां परिवार की बात नहीं मानते हुए कार्य को रोक कर उल्टा पीड़ित को डराया, जिसके बाद संबंधित ने SDM ऑफिस में अपना प्रकरण लगाकर परिवार के अन्य लोगों के बयान करवाए और मुआवजे की राशि परिवार के मुखिया को देने की बात कही, तब जाकर उस प्रकरण का निराकरण हुआ। ऐसे ही अन्य कई मामले राजस्व विभाग में विचाराधीन हैं, जिन पर आज तक वहां बैठे अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। सिविल कोर्ट में चल रहा था मामला। तहसीलदार कनासे ने बताया कि जनवरी 2023 में अतिक्रमण की शिकायत आई थी, जहां पर शिकायतकर्ताओं द्वारा बताया कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर भगवान पिता रामेश्वर द्वारा भूमि का उपयोग किया जा रहा है। उस समय अतिक्रमण हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोर्ट से स्टे मिलने से भगवान द्वारा फिर वहां पर अतिक्रमण कर लिया गया। अप्रैल में स्टे खारिज होने के कारण इसकी जमीन से शीघ्र अतिक्रमण हटना था। वहीं ग्रामीणों से पूर्व में भी कहा था कि अगर शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण करता है तो उसकी सूचना तत्काल दे। ग्रामीणों ने जैसे ही अतिक्रमण की सूचना दी वैसे ही सनावत और बेड़िया नायब तहसीलदार पुलिस को भेजकर मौके से अतिक्रमण मुक्त करवाने की बात कही। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। ग्राम नगावा, क्या कहानी, क्या मामला है तुम्हारे? सरकारी जमीन का मामला है। गांव में जो शासन की योजना चल रही है नल जल योजना, इसके अंतर्गत हमने गांव की एक जमीन जो शासकीय भूमि है उसका रिकॉर्ड निकाल कर पुनर्वास के साइड से लगी हुई है उस पर हमने टंकी निर्माण का निर्णय लिया। टंकी निर्माण के कुछ पाइप बिगड़ चुके हैं और आगे के उन्होंने रोक दिया। उसके बाद हमने भगवान रामेश्वर ने और उसके बाद हमने तहसीलदार साहब को शिकायत की, इन्होंने कब्जा भी हटाया, आधी जमीन का हटाया और उसके बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी वो जो नल जल योजना की लाइन भी रुकी पड़ी है और हम 25 बार विधायक साहब से मिल चुके हैं, 25 बार यहाँ तहसीलदार साहब से मिल चुके हैं। पूरे गांव वाले परेशान हैं और कभी भी गांव में अशांति भंग हो सकती है, गांव में बड़ा विवाद हो सकता है। वहाँ पर एक बार सीमांकन हुआ है क्या? सीमांकन हुआ तो 5 एक गांव में एक शासकीय भूमि थी सर्वे नंबर 287, उसमें क्या भगवान का कब्जा था कई सालों से, पूर्व ऐसा बताया कि उसके द्वारा बताया मेरा कई सालों से कब्जा है, लेकिन उसका हमने फिर अतिक्रमण का प्रकरण बनाया, तहसील में प्रकरण चला, उसके बाद उस पर दंड किया, दंड पे उस 50,000 के उसने दंड जमा किया, उसके बाद हमने आदेश करने के बाद उसे अतिक्रमण नहीं हटाया, तो हम 3 जनवरी को पुलिस बल के साथ जाके मौके पे जाके पूरा अतिक्रमण हटाए, ट्रैक्टर वगैरह JCB गांव वालों ने उपलब्ध कराए थे, उसके द्वारा पूरा उनका जो भी था मौके पे उसको हटाया गया और ज़मीन को रिक्त करवाए गए 3 जनवरी 2023 को। उसी दिन माननीय न्यायालय सिविल कोर्ट से स्टे मिल गया था, यथा स्थिति का तो उसके बाद तो सिविल कोर्ट में प्रकरण चला, हमने जवाब OIC मेरे को नियुक्त किया था कलेक्टर साहब ने, हमने जवाब वगैरह दिया प्रकरण, फिर उसके बाद अप्रैल में उनका स्टे खारिज हुआ, प्रकरण चला लेकिन अब स्टे वगैरह नहीं है। तो मैंने गांव वालों को बोला था यदि कोई भी टंकी बनाने या किसी प्रकार का कोई मना करता है या भगवान वगैरह तो हम आपको तत्काल बताएं,
तो इसके बाद आज जैसे आज ये भीड़ लेके आए हैं, जबकि इनके द्वारा कहीं ऐसा नहीं बताया गया था कि वो नहीं करने दे रहा, फिर से अतिक्रमण कर रहे हैं। आज मैंने अभी तत्काल नायब तहसीलदार दोनों को मौके पे भेज रहा हूँ, पुलिस डी आई साहब से बात हो गई है, तत्काल ये जाके यदि वो कोई इनको रोकता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे। सिविल कोर्ट अतिक्रमण में सिविल कोर्ट का एसडीएम साहब को अधिकार है, सिविल कोर्ट मतलब इसमें आपका एसडीएम साहब उसको सिविल जेल भेज सकते हैं। सर ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है ये मुझे